गाइस हम लोग अभी काजा के लिए निकले थे। हम शिचलिंग से अभी चले थे तो हम करीब 2-4-5 किलोमीटर ही चले होंगे। तो रास्ते में यहाँ पर एक बहुत ही मस्त वाला वाटरफॉल मिला है हम लोगों को, और चलो मैं आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल। तो गाइस ये झरना है सामने, और इसके ज़्यादा पास हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि आगे से यहाँ से रास्ता नहीं है। बट ये बहुत ही गजब है यार, ये बहुत ऑसम है। और यहाँ तक पानी के स्प्लैशेस आ रहे हैं और मज़ा आ रहा है। ये नीचे से ये पूरा रिवर साइड में जा रहा है, पीछे से रिवर आ रही है और ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है और आके सीधा रिवर में मिल रहा है। यार व्हाट अ ब्यूटी यार, हिमाचल इज सच अ ब्यूटी सीरियसली। ये है गाइस लिटरली व्यू, यहाँ तक पूरे वाटर स्प्लैशेस आ रहे हैं और मैं ऐसे भीग रहा हूँ, कैमरे पर भी कुछ ड्रॉपलेट गिरी हुई हैं। और पीछे से जो वाटरफॉल आ रहा है वो बहुत ही ऑसम है यार। तो हम लोग काजा जा रहे थे, रास्ते में रुके, अभी जैसे आपने वाटरफॉल देखा, हम नीचे रिवर पर आए। हमारा बहुत मन किया आने का क्योंकि रिवर का पानी इतना ज़्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पानी है ना, हमसे रुका नहीं गया यहाँ बिना। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर आके थोड़ा सा ब्लॉक करें। और कुछ बहुत देर मस्ती करने के बाद हमें लगभग यहाँ पर 1.5 घंटा हो गया, फोटोग्राफ क्लिक कराई, पानी में गए, मस्ती करी, पैर भिगोए। ये सीरियसली इतना ठंडा पानी है, इतना ठंडा पानी है जैसे कि बिल्कुल ग्लेशियर ही पिघल पिघल के आ रहे हो, तो खैर आ ही रहे। पर ये बिल्कुल बोन फ्रीजिंग पानी, इतना मीठा और इतना टेस्टी पानी है ना, मैंने तो अपने जीवन में नहीं पिया। मतलब गजब ऑसम, यहाँ के व्यूज़, यहाँ के नज़ारे, यहाँ का वेदर, टेम्परेचर, रिवर, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। मैं बहुत बार हिमाचल आया हूँ, बहुत बार, लेकिन मैंने ऐसा व्यू कभी नहीं किया यहाँ पर। लेकिन क्या है, जैसे कि हम आज एक अलग रूट पर आए हैं, ये रूट ने सही में हमारा दिल जीत लिया और यहाँ पर आके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। पीछे रिवर, सामने वाटरफॉल, नो वर्ड्स, सिर्फ मैं आपको यहाँ की ब्यूटी दिखा ही सकता हूँ, मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं है सीरियसली। चलते हैं आगे की ओर, बच गए हैं 4:30। हमने सोचा था कि हम 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में इतने ज़्यादा सुंदर सुंदर व्यूज़ आए कि हमसे आगे बढ़ा ही नहीं गया। और हम हर जगह थोड़ी थोड़ी देर पर रुकते रहे उनको कैप्चर करने के लिए। अभी भी यहाँ से शायद 1.25 घंटे का रास्ता है, पहुँचते पहुँचते प्रोबेबली हमें रात ही होने वाली है। तो चलो चलते हैं ऊपर की ओर। सो फाइनली हम लोग जो है काजा पहुंच चुके हैं, और ये है काजा का दृश्य, काफ़ी अच्छा लग रहा है।